हम लोगों ने यहाँ से पैक करवा लिया। क्या बड़ा वाला सरप्राइज है कह रहा हूँ, सुपर कार भाई के नाम। ओ माय गॉड भाई ने इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। Happy birthday to you. Happy birthday dear Nick Nix. गम्बे हिसाब थे अलग ही वफा के जाब्ते, अलग ही हैं अगर मंजिलें तो क्यों ना अलग ही रखें हम रास्ते, क्यों ना आज से मिटा दें ये किस्मत हम हाथ से और सहन आजाद हो याद से हम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे, तो आज है तुम्हारे भाई का जन्मदिन। जैसे कि आज है आपकी डेट 12 मार्च, तो आज 12 मार्च को ही तुम्हारे भाई का बर्थडे होता है। तो आप सभी लोगों ने भाई आज इतनी सारी स्टोरियां लगाई थी, जिसे देखकर भाई मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली और आप सभी लोगों को तहे दिल से भाई धन्यवाद करता हूँ। और बाकी दोस्तों, अभी फिलहाल मैं हो चुका हूँ रेडी, सुबह के बज गए 10:30 और पूजा वगैरह कर लेते हैं फटाफट मंदिर में और फिर निकलते हैं यहाँ से। और आज कुछ भाई अच्छा होने वाला है, अच्छा क्या होने वाला है वो आप लोगों को अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो कौन कौन मेरे बर्थडे पे आने वाले हैं, पिछली बार तो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, तो इस बार मैंने कुछ अलग तरीके से सोचा है भाई सेलिब्रेट करेंगे, तो कुछ बढ़िया काम होने वाला है आज से। तो बाकी दोस्तों चलते हैं फटाफट पूजा वगैरह कर लेते हैं। और भाई आज ना मैं सुबह 4 बजे रात को सोया था, तो 4 बजे सोने के बाद जो है ना मेरी आंखों की हालत देखो भाई, एकदम रेड रेड से हो रही है। दोस्तों देखो, बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, एकदम कड़क सी धूप आ रही है और यहाँ आ रखी है कलुआ माँ। ओहो, थैंक यू कलू, थैंक यू। और वहाँ चाची भी बैठी है, देखो ग्वाला हार गए। हाँ थैंक यू। तो इन लोगों ने भाई विश कर दिया और फटाफट चलते हैं पूजा वगैरह कर लेते हैं। तो दगड़ियों फाइनली पूजा वगैरह कर ली है और एक बार मिलके लेंगे उनका नाम, बोलो राधे राधे। इसके साथ टाइम वगैरह भी हो ही चुका है और फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि भाई बहुत ज्यादा लेट हो रहे और मेरे को जाना है भाई इतने मंदिर, तो बढ़िया से गोलू देवता जी के दर्शन वगैरह करेंगे और फिर वहां से हम आगे के लिए निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले निकलते हैं यहाँ से फटाफट। तो मिलते हैं आप लोगों से सीधा मोटो व्लॉग की स्क्रीन पे। जय शिव। ओके, तो दोस्तों दिन की शुरुआत होती है बाड़े छिना के मेन रोड से, अल्मोड़ा वाले मार्ग से। ये कहाँ ला रही है, हमारे साथ में है चित्ती भाई अपने, तो हम दो लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं। तो बाकी देखते हैं भाई क्या प्लान रहता है। मैं आप लोगों को बोल ही रहा था ना कि कुछ सरप्राइज टाइप देने वाला हूँ या कुछ अच्छा काम करने वाला हूँ, तो भाई वो आप लोगों को ना अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्या करने वाला हूँ। और भाई यहाँ का आज व्यू देखो भाई, मौसम भी कितना साफ है, पूरे आसमान में भाई आज एक भी क्लाउड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हमारे निक्कू भाई का बर्थडे है। क्या बोला तूने? जो काम करने के लिए जा रहा हूँ घर से मैं, और उस काम के लिए ना भाई मुझे बहुत ज्यादा अंदर से खुशी महसूस हो रही है क्योंकि हर कोई ये सपना नहीं करता। फाइनली हम पहुंच चुके हैं देखो ओमकार रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट जो है ना हमारे चाचा का ही है। अगर आप लोग कभी भाई यहाँ से निकलते हैं तो ना पेड़ साल से, तो इस रेस्टोरेंट में जरूर से एक बार खाना और सेवा का मौका उनको जरूर से देना। तो फाइनली हम लोगों ने भाई जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए हुए थे, हम लोगों ने यहाँ से पैक करवा लिया चाचा की दुकान से। और इसमें क्या होने वाला है वो आप लोगों को भी बाद में पता चलेगा, पहले फटाफट निकलते हैं यहाँ से। ओके आशीष भाई, पकड़ो इसको। और भाई ये रही, एक बार फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग कभी ना कभी आ ही सकते हैं, अगर आप लोग कभी इस रोड से अगर जा रहे हो तो ना भाई यहाँ पे जरूर से आना। तो नीचे से भी दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो भाई ओमकार रेस्टोरेंट करके, तो ये शॉप है अपने चाचा की, तो इनको सेवा का मौका जरूर से देना। हमारी पार्टी भी करवाते हैं, अब मैं जा रहा हूँ अभी, ठीक है, मिलते हैं शाम को, पार्टी शाम को हो जाएगी। ओके okay. तो दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं आपका चिताय मंदिर के पास में, बस जस्ट सामने ही चिताय मंदिर पड़ता है और भाई एक प्यारा सा नज़ारा यहाँ से देखने के लिए मिलता है। और देखते हैं भाई क्या कुछ होता है। क्या कह रहे हैं?
यहाँ रोकना तेरे लिए सरप्राइज है कह रहा हूँ। क्यों क्या सरप्राइज है? हैं अंदर लेके तो सरप्राइज है। गाड़ी यहीं लगाते हैं, रुक जा। देखो भाई सामने पूरा यहाँ से हिमदर्शन होते हैं और आज तो भाई पूरा कोहरा कोहरा लग रहा है। तो आशीष भाई पता नहीं यहाँ पे रुकने के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हो? बहुत बड़ा वाला। क्या बड़ा वाला सरप्राइज है कह रहा हूँ। अच्छा सरप्राइज है, दिखा दो यार क्या सरप्राइज है भाई। आशीष भाई कुछ सरप्राइज देने वाले हैं, देखते हैं क्या सरप्राइज दे रहे हैं। ओ भाई कमाल है। अच्छा ये मेरे लिए क्या बर्थडे सरप्राइज? नहीं यार। अच्छा तो गाइस देख सकते हैं आशीष भाई ने दे दिया हमको बर्थडे सरप्राइज, इतना बड़ा भाई सुपर कार भाई के नाम। बहुत मजा आ रहा है भाई। चलो गिफ्ट देने की बात तो छोड़ो, तुमने दिखाई दी वही काफी है भाई। सामने से सुपर कार देख रहा हूँ भाई, एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। एकमात्र ये गाड़ी है, देख सकते हैं आप लोग। तो आशीष भाई को फिर से एक बार अगेन थैंक यू, दिखाई दी तुमने। ओह माय गॉड भाई ने इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। ये आ गया भाई। चलो शाम को हो जाएगी ना पक्का? नाम शाम को तेरे नाम पक्का? चाबी दे देगा वो तो ले आना इसको। लेकिन एक सेकंड, पैसे वैसे कर दिए? हाँ, पैसे का। अच्छा तब तो ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ क्या गिफ्ट है भाई ने इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। चलो दिल खुश कर दिया यार इसने। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से फटाफट, यहाँ से चिते मंदिर के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग चिते मंदिर पहुँच चुके थे और भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से दर्शन के लिए। तो सामने चेक करो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। ये बंदर ना पुजारी जी का जैसे दोस्त थे, अंदर जाके बढ़िया से उनके बगल में जाके खा था। मैंने वीडियो बनाई तो भाई दिखा नहीं। और बाकी आज यहाँ पे भी काफी ज्यादा भीड़ है दोस्तों, देख सकते हो। यहाँ लगा रखी थी हमने अपनी प्यारी और अब लेके चलते हैं इसको। भाई आप भी अपने जन्मदिन पे ना सबसे पहले भाई मंदिर के दर्शन करना, भगवान जी का आशीर्वाद लेना एंड उसके बाद भाई अपना आगे का जो भी करना है आपको सेलिब्रेट वगैरह जहाँ भी करना है तो उसके बाद कर सकते हैं। हमको जाना है भाई मार्केट और ये वाली रोड जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये जाती है आपका सीधा कसार देवी की तरफ। दोस्तों अब करवा लेते हैं यहाँ से हम अपनी प्यारी की पेट पूजा। नहीं है? अरे यार आज तो पेट्रोल मिल ही नहीं रहा कहीं। यहाँ पे आया मैं भाई, यहाँ पे पेट्रोल नहीं है और बाड़ीछीना में भी पेट्रोल नहीं है। भयंकर अब क्या ही होगा भाई, इसमें हल्का सा रह रहा होगा। अभी तक जो है ना मैं रिजर्व का तेल चला रहा हूँ भयंकर। अब देखते हैं क्या होता है, आगे मिलता है कि नहीं। तो अभी हम आ चुके हैं दूसरे वाले पेट्रोल पंप में, यहाँ से करवाते हैं। हाँ हाँ, ऐसे कैसे गिर जाएंगे यार हमारे पैसे। तो दोस्तों मोटर ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा कर लिया, अभी भाई लोग आ जाएंगे तो अभी पहले उनका वेट करते हैं। भैया पहुँच चुके हैं गाइस और बाकी लोग ना अभी आ रहे हैं, उनका हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। सुशील भैया आ रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने अपनी गाड़ी वगैरह लगवा दी थी एंड अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं मार्केट के लिए। और चुटपुट भैया अपने हैं मार्केट में क्योंकि वो पहले ही चले गए थे और अभी यहाँ से जा रहे हैं विशाल भाई और मैं और दी भैया। तो पहले चलते हैं मार्केट में और क्या सीन है फिर बताते हैं। दोस्तों सीन कुछ ऐसा है भाई, अभी हम लोग आए हुए हैं मार्केट में और अभी हम लोग रुके हुए हैं भाई हुक्का क्लब के पास में और अभी चुटपुट भाई का यहाँ पे चल रहा है वेट। और भाई इस पेटी में क्या होने वाला है वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। भाई अल्मोड़ा में कुछ ज़रूरतमंद लोग जो बैठे रहते हैं साइडों में तो उनको मैं अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर ना दोस्तों प्रसाद के रूप में, तो भाई मैंने सोचा अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर
सारे लोगों को खिलाया जाए और सारे लोगों के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल देखी जाए तो भाई कितना अच्छा लगेगा। पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो भाई अच्छी चीज़ों में ही हम वेस्ट करेंगे। तो बाकी भाई आज मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पे ये स्पेशली मेरी तरफ से है सारे लोगों के लिए। बाकी देखते हैं भाई क्या सीन बनता है। अभी अपने चुटपुट भाई आ ही रहे हैं। देखो भाई इस पेटी में आपके समोसे और फ्रूटी हैं, तो बाकी अभी हम उनको ये प्रसाद वगैरह जो भी है भाई प्रसाद के ही रूप में कह सकते हैं इसको एक हिसाब से। तो अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर सबको दान करने वाले हैं भाई। आज पहली बार जिंदगी में ऐसा काम कर रहा हूँ तो भाई अच्छा लग रहा है मुझे खुद। एक बार आप लोग भी ना अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पे भाई कभी ऐसा करके देखना, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बोलो राधे राधे। भाई सामने से देखो कौन आ रही यार। लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। तो चुटपुट भैया अपने पहुँच चुके हैं तो बड़े टाइम बाद आ रहे हैं और ये किसी को लेके आए अपने साथ में और हमसे कह रहे हैं हम अकेले हैं। ये देखो भाई किसके साथ में आए हैं चुटपुट भैया अपने, किसके साथ आए हो भैया? हैप्पी बर्थडे तेरे को यार सबसे पहले। धन्यवाद यार मेरी जान। कोई नहीं है मेरे, क्यों नहीं है यार, हमने नहीं देखा। तो फटाफट चलते दोस्तों निपटाते हैं। और ये क्या कह रहे हो, क्या व्लॉग में नहीं लो? दोस्तों हम लोगों को जाना था आगे की तरफ और ये लोग भाई पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, पीछे को बैठे हैं बल तो आप जा रहे हैं हम नीचे की तरफ। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठते हैं तो दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है? मार्केट में हम लोगों को ना बहुत कम लोग मिल रहे हैं तो देखते हैं भाई कहाँ कहाँ मिलते हैं और हमको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। और अभी देखो यहाँ पे दो लोग और मिल चुके हैं तो यहाँ पे इनको देते हैं फटाफट। भैया इतना घूमने के बाद, मार्केट पूरी घूमने के बाद फिर हम पहुंच चुके हैं भैया GGIC के पास में और यहाँ पे मिले हमको एक आंटी, अब इनको भी देते हैं। हाँ बर्थडे है, ये मेरे जन्मदिन है। बच्चा तुम्हारे जन्मदिन के अलावा अच्छी नौकरी वाले भी जाएंगे। तो काफी टाइम बाद ना हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं भाई। तो काफी ज्यादा जगह भी ना हम लोग घूम चुके हैं और भैया यहाँ पे इसके कुछ भाई बहन लोग भी अंदर पे हैं जिनको इनके मम्मी पापा भाई अंदर पे बंद करके गए हैं और बाकी लोग यहाँ से बाहर गए हुए। तो कहाँ गए हैं भाई हमें भी नहीं पता। और हमने ना पूरी मार्केट छान मारी भाई, हमको कुछ लोग मिले, 6 से 7 लोग मिले। कितने मिले भी था भाई? 7-8 लोग मिल चुके हैं। और बाकी कितने बच्चे हैं अंदर, कितने बच्चे हो लोग? अच्छा 2 लोग। आज ये मेरा जन्मदिन है, ठीक है? हैप्पी बर्थडे। ठीक है लोग बोलो। हम लोगों ने ना सारे लोगों को लगभग यहाँ पे दे दिया जितने भी लोग हमको मिले ना भाई। हमने बहुत ढूंढा और उसके बाद भी हमारे पास ना 5 से 7 समोसे और बच गए हैं जो हम देने वाले हैं भाई। जो भी बच्चे मिलेंगे हमारे गांव के यहाँ इनको उठा के ले चलते हैं और जो भी यहाँ पे हमको दिखेंगे तो बाकी कहीं पे अगर रास्ते में हमको दिख जाते तो हम वहाँ पे उनको दे देंगे भाई, कैसा? तो बाकी अभी इनको मैं डालता हूँ अपनी डिक्की में क्योंकि हम लोगों ने ना भाई 14 से 15 दे दिए होंगे सब किसी को ना। 2-2 समोसे दिए और फ्रूटी दी तो भाई काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी। और आप सभी का भी धन्यवाद जो आप लोगों ने भाई मेरे बर्थडे पे इतना प्यार दिखाया। तो बाकी अभी चलते हैं आगे और कोई और मिलेगा तो उनको भी दे देंगे। अभी हम लोग आए हुए हैं भैया केक लेने के लिए, तो चुटचुट भाई ले रहे हैं यहाँ से केक और देखते हैं भाई कौन सा ले रहे हैं और फिर हम लोग काटेंगे केक वगैरह।
तो बाकी आप लोगों को राइट हैंड कॉर्नर जाके दिखाएंगे, तो अभी फिक्स नहीं है मतलब, बाकी देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो दोस्तों फटाफट फटाफट ले लेते हैं और फिर निकल। फिर भैया अभी हम लोग आ चुके हैं बैठक नाम के कैफे में, जो ये पीछे हम लोग देख रहे हैं, आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा भैया आपका चौहान बाटा में कुछ इस तरीके से। तो अब हम लोग ना यहाँ पे क्या करने वाले हैं भाई, तो केक आया है चुटपुट भैया की तरफ से, और चुटपुट भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद, तो भाई भी हमारे बर्थडे पे हमारे साथ रहे सारे सारे टाइम, तो स्पेशली भाई को थैंक यू सो मच यार ब्रो। अरे कोई नहीं, पगले साथ बना रहे। तो बाकी अभी अंदर चलते हैं, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो दोस्तों बिना लेट करे हुए केक वगैरह कट करते हैं और you. ओके तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव में, और इसी के साथ आपका टाइम हो चुका है भैया 6:19। तो ये थी भाई हमारे जन्मदिन पे कुछ जो भी हमने किया भाई, आप लोग भी इस तरीके का कुछ अच्छा काम करने की कोशिश जरूर से करना अपने बर्थडे पे या अपने भाई कुछ भी शुभ कार्य पे एक बार जरूर से करना भाई। मैंने पहली बार ऐसा किया तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और यही मेरा एक सपना भी है भाई, कभी जब मैं अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से सक्सेस हो जाऊँगा, हर एक ज़रूरतमंद की भाई हमेशा हेल्प करना चाहता हूँ, और यही मेरा एक सबसे बड़ा ड्रीम है कि भाई मैं हर एक ज़रूरतमंद की ना उसकी ज़रूरत पूरी कर पाऊँ जो भी मुझसे हो पाएगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि मैं ज़रूरतें कह रहा हूँ तो सब कुछ, लेकिन भाई एक दिल से होता है ना कि भाई किसी को दान करने का, तो भाई वो चीज़ मेरे अंदर है और मैं आगे भी करूँगा भाई जितना भी मुझसे हो पाएगा। दोस्तों आप सभी लोगों ने इतना सारा प्यार दिया और इतनी सारी स्टोरियाँ लगाई, इतने सारे स्टेटस लगे हुए थे, तो दोस्तों आप सभी लोगों को भाई एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। तो दोस्तों इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आप सभी लोगों को दूसरे वाले वीडियो में, तब तक का ध्यान रखो आप सब अपना।